दोस्तों, चाहे आप एक ब्लॉगर हो, एक यूट्यूबर हो, आप कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर हो, या फिर एसईओ करना आपका काम हो, ऑनलाइन आप कुछ भी करने जाओ, उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से पेड टूल्स भी है, फ्री टूल्स भी है, और मुझे इन टूल्स को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो से शुरू करके हम देखेंगे बहुत सारे पेड और फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। तो आज का हमारा जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है KW Finder by Mongools। ये एक पेड टूल है, लेकिन आप इसका 10 डे का फ्री ट्रायल लेके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है सर्च बाय कीवर्ड और दूसरा है सर्च बाय डोमेन। तो हम ये सर्च बाय कीवर्ड यही यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम एक बहुत पॉपुलर कीवर्ड देंगे जो कि है मेक मनी ऑनलाइन। ये टर्म तो कभी ना कभी आपने ये सर्च किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप भी करके देख सकते हो। ये एक बहुत ही पॉपुलर सर्च क्वेरी है। यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एनी वेयर दिया हुआ है, आप US, जर्मनी, UK, ये सारे कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें इंडिया नहीं है, यहाँ पे बस इन्हीं कंट्रीज है जो आपको दिख रहा है, जैसे US, जर्मनी, UK, स्पेन और फ्रांस। तो हम ये एनी वेयर रख देंगे और यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी है, हम इसे इंग्लिश रखेंगे। तो इंग्लिश सिलेक्ट करके हम फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास अभी रिजल्ट्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेक मनी ऑनलाइन एनी वेयर इंग्लिश और इसमें रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा रहा है मेक मनी ऑनलाइन। ये है ट्रेंड सर्च, ये लास्ट 12 मंथ का एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है जो कि है 2,59,000। यहाँ पे ये कीवर्ड डिफिकल्टी है 64 आउट ऑफ 100। यहाँ पे अगर हम आई बटन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके कैटेगराइजेशन जो कि है 0 to 14 इजी, 15 से 29 स्टिल इजी, 30 to 49 पॉसिबल, 50 के ऊपर हार्ड। तो कीवर्ड डिफिकल्टी जितना ज़्यादा होगा आपके लिए उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपना पोस्ट हो, आर्टिकल हो, उस पर रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप हमेशा चाहेंगे कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी स्टिल इजी तक ही रखना। तो अगर आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी 29 तक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट की तरफ फिल्टर है, हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे और कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे 45 दिया हुआ है, ये हम 30 कर देते हैं। 30 करके हम सेट फिल्टर पे क्लिक करेंगे और अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स हट गए हैं, बस चार ही रिजल्ट है। मेक मनी ऑनलाइन, पेपल, ये एक सिस्टम है जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 25, ऑनलाइन अर्निंग साइट्स इसका डिफ़िकल्टी भी 27 ईजी है, और मनी पे एंट्री गेट पेड टू राइट। तो यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड अगर आप टर्म कम डिफिकल्टी के साथ चाहते हैं तो ये दो सर्च क्वेरी यूज आप कर सकते हो, मेक मनी ऑनलाइन बाई पेपल और ऑनलाइन अर्निंग साइट्स। इन दो कीवर्ड का डिफिकल्टी अभी भी कम है, यानी कि इनमें कंपटीशन अभी तक कम है। यहाँ पे सर्च रिजल्ट के बाद है CPC PPC, ये ऐड के लिए इस्तेमाल होता है तो हम इस पर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे और दो ऑप्शन है, एक है ऑटो कम्प्लीट और दूसरा है क्वेश्चन। तो हम ऑटो कम्प्लीट पर अगर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च से सर्च क्वेरी आ रहा है मेक मनी ऑनलाइन, इसके बाद ऑटो कम्प्लीट पे क्या क्या आ सकता है ये आप देख सकते हैं। मेक मनी ऑनलाइन एज अ टीम, मेक मनी ऑनलाइन एट होम, ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन एफिलिएट प्रोग्राम्स, मेक मनी ऑनलाइन एंड गेट पेड टुडे, ऑनलाइन अमेजन, ऑनलाइन एट 17, ये सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी अब फिर से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 30 फिल्टर अप्लाई किए कर देंगे हम लोग और ये आ गया है मेक मनी ऑनलाइन एज ए टीन, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी कम है, 25 है। मेक मनी ऑनलाइन बैनर, इसका बस 17 है। तो आप इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो क्योंकि इनका कीवर्ड डिफिकल्टी अभी तक ईजी पे है। और अगर हम क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल सर्च से क्वेश्चन फेच कर रहा है, मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ मेनी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ मेनी, अभी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें फिर से ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी के कीवर्ड्स दिखा रहा है। हम फिर से फिल्टर पे जाएंगे, 30 यहाँ पे दिया हुआ है, फिल्टर सेट करेंगे और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बस एक टर्म हमें मिला है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन नाइजेरिया, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। ये ऑफकोर्स आपको पता चल ही रहा है कि ये नाइजीरिया के लोग ही सर्च कर रहे होंगे। तो ऐसे आप
KW Finder यूज करके रिलेटेड कीवर्ड्स, क्वेश्चंस और ऑटो कम्प्लीट यूज करके देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आपको चाहिए। आपको जिस टॉपिक के ऊपर सपोज एक ब्लॉग पोस्ट लिखना हो, उस कीवर्ड रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है आप यहाँ से उन्हें कॉपी कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर में सर्च वॉल्यूम, CPC, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये सारे चीज़ें सेट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर कोई कीवर्ड इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि आपके सर्च टर्म से कोई कीवर्ड को एक्सक्लूड करना, वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे SERP ओवरव्यू भी आपको दिख जाएगा। तो यही था KW Finder, ये आप भी यूज करके देख सकते हो। अगर आप पेड टूल अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आप 10 डे का फ्री ट्रायल लेके इसे यूज करके जरूर देखना। मिलेंगे एक और कीवर्ड रिलेटेड टूल के साथ अगले वीडियो में।